चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में खून से राज तिलक की रस्म के बाद जब परंपरा निभाने के लिए मेवाड़ के 77वें महाराणा शिव विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ धूनी पर दर्शन के लिए उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे तो उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। वहां बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक लिया गया। इसके बाद विश्वराज के समर्थक बैरिकेड पर चढ़ गए और उसे फंदने की कोशिश करने लगे। तभी सिटी पैलेस के अंदर से पथराव होने लगा। देर रात वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके चलते DMSP ने सिटी पैलेस के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया। उस वक्त महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन 26 नवंबर की सुबह कार्रवाई करेगा और इस कार्रवाई को हमें देखना है। वहीं दर्शन के लिए प्रशासन ने आश्वस्त किया, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, हम विरोध शांतिपूर्वक करेंगे। पत्थरबाजी करने वालों पर FIR दर्ज होगी। आप सभी से अपील है कि सभी वापस लौट जाएं। अब कहां जा रहा है कि आज फिर विश्वराज सिंह के समर्थक सिटी पैलेस के बाहर जमा होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर कानून व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें खाली सड़कों पर पुलिस बैरिकेड लगते हुए नजर आ रहे हैं। रात में जिला प्रशासन ने सिटी पैलेस के गेट पर रिसीवर नियुक्त करने का ऑर्डर भी चस्पा दिया। इसमें बड़ी पोल से धूनी और जनाना महल तक जाने वाले रास्ते के साथ धूनी वाले स्थान को कुर्क करने की भी जानकारी दी गई है।